बहन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ के तरफ से नया वैकेंसी लॉन्च किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएससी कैलेंडर के थ्रू कि कौन कौन से एग्जाम कब पार्ट आउट निकलने वाले हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से नया वैकेंसी आउट हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी है वो बहुत लमसम देखने को मिलता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैनल में नए हैं उसके लिए मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट, यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से नया जो वैकेंसी लॉन्च किया गया है वो आपको दिख रहा है कि 27 तारीख से आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे मेल फीमेल दोनों चाहिए, जो आपका टेक्निकल और ट्रेडमैन दोनों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया। जहाँ पे आपका एप्लीकेशन 27 मार्च से लॉन्च होने वाला है, इसके नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है 17 मार्च से। जहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो होता है कि वो क्या टेंटेटिव डेट दे चुका है, जी हाँ, आप लोग को यहाँ पे टेंटेटिव डेट देखने को मिलता है कि आपका 1/7/2023 से लेके 13/7/2023 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चलिए दूसरे में बात करते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करें। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। साथ में जैसे ही आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, सारा रिक्रूटमेंट डिटेल्स आपको फिलअप करना है। हिंदी या इंग्लिश में आपका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एट द एंड आपको ट्रेनिंग या फिर आपको एप्लीकेशन लेटर दे दिया जाता है। दूसरा मैं बात करें यहाँ पे स्केल क्या देखने को मिलता है, तो पे स्केल जो है वो लेवल 3 के हिसाब से आपको यहाँ पे स्केल देखने को मिलता है, जो आपका 21,000 के ऊपर आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा मैं बात करें वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो टोटल आपका 9,212 वैकेंसी है, जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 9,105 और फीमेल के लिए 107 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा मैं बात करें कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी जो भी कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ सीट रिजर्वेशन किया जाता है, इवन एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाकर यहाँ पे ओपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करें यहाँ पे कि आप सारे डिटेल्स देख सकते हो, कौन से एरिया में कितने वैकेंसीज यहाँ पे खाली किया गया है। जब यहाँ पे देखें तो हम लोग को ऑलरेडी वैकेंसी को बोला गया है कि इस वैकेंसी में 10% जो है वो एक सर्विस मैन के लिए रिजर्व किया जा रहा है। अब हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करें, तो एज लिमिट में आपका 21 से लेकर 27 साल के अगर आप अंदर हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो 1996 से लेकर 2002 के अंदर आपका है। पोस्ट आप लोग को देखने को मिलता है तो कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रशर, पाइप, ब्लॉगर, गार्डनर, इस टाइप के यहाँ पे पोस्ट देखने को आपको देखने को मिलता है। दूसरा मैं बात करें कि अगर इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करते हैं, तो 18 से लेकर 23 साल के उम्र तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो ये सबको एग्जैक्टली मिल सकता है आप लोग को। दूसरा मैं बात करें कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करे, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का बहुत मेन आइडिया आपको ये दे रहा हूँ, जो भी आपका 10 के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम होगा, जो आपके फादर्स नेम होंगे, वही देकर आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का गारंटी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा मैं बात करते हैं कि आपके पास जो वैलिड एज रिलैक्सेशन के लिए पे एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूसी कोई भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टैंप लगा हुआ आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा मैं आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तब। दूसरा मैं बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर 10 पास है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 10 पास स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल के लिए थ्रू जाना चाहते हो, व्हीकल्स के लिए, ड्राइविंग के लिए, तो आपके पास मस्ट एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी सारे अगर देखना चाहे तो आप बाकी सारे जितने भी पोस्ट है उसमें ओनली 10 पास कैंडिडेट्स चाहिए, ओनली जो मोटर व्हीकल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोग के लिए ओनली 10+2 की जरूरत है, मतलब 12वीं आपके पास पास आउट होना चाहिए। चलिए अब स्टेप जानते हैं कि कैसे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पोर्टल में आपको जाना है, तो पोर्टल का लिंक जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैनल के नीचे, या फिर आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहां से जैसे ही जाइएगा, पोर्टल अभी नहीं खुला है क्योंकि ये पोर्टल जो है वो 27 तारीख से ओपन होगा। अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस दिन जब 27 तारीख को जो आपका फॉर्म जैसे ही खुलता है मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।
दूसरा मैं बात करें उसको जैसे ही आप ओपन करते हो 27 तारीख से 25 तारीख तक का आपका एप्लीकेशन पोर्टल खुला रहे। उसे ओपन करने के बाद आपका जो बेसिक डिटेल्स है, नाम, नंबर, वेबसाइट का ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, एडुकेशन डिटेल्स सब आपको वहाँ पे अपलोड करना है, लिख के आपको डालना है। उसके बाद आपको एक फोटो, एक सिग्नेचर और बाकी जो 10 के आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके भी अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप सबमिट पे बटन क्लिक कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही एट द एंड आपका क्या होता है कि एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड किया जाता है, तो जो मेल कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उसको ओनली 100 रुपीज पे करना है, बट जो एससी एसटी है और फीमेल कैंडिडेट्स है या एक्स सर्विस मैन है उनको कोई भी फीस पे नहीं करना है। तो जो फीस पेमेंट करना है वो आप यूपीआई ऑनलाइन किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट इसे कर सकते हो। जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिडिटी नहीं दिया रहेगा, उसे इनकम्प्लीट ही रिक्वायर्ड किया जाता है। तो जैसे आप पेमेंट करते हो तभी होगा। अब बाकी जो कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करना है उनके लिए ऐसे ही फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए, जो फॉर्म है वो वैलिडिटी कर जाता है। दूसरा बात करते हैं कि एग्जाम कौन से सेंटर पर, तो आप यहाँ पे सेंटर्स देख सकते हो, ये सारे सेंटर्स के अंदर ही आपका एग्जाम सेंटर्स पड़ेंगे, वहीं पे आपको एग्जाम जाके देना पड़ेगा। एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 2 घंटे का होगा, जहाँ पे आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स का और इंग्लिश हिंदी का टेस्ट होता है, जो 25-25 करके क्वेश्चन होंगे, 25-25 करके मार्क्स होंगे, मतलब टोटल 100 मार्क्स है, जो 1-2 घंटे का आपका पेपर रखता है। जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/4 के हिसाब से, 0.25 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन के लिए कट जाता है अगर गलत होगा तो। दूसरा मैं बात करें कि फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन के बात करें कि अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो शेड्यूल, तो आपका 162 होना चाहिए एसटी के लिए और फीमेल के लिए 150। अगर आप असम, जम्मू कश्मीर से सबसे बिलोंग करते हो तो आपका हाइट इस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे सारे रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो कि आपका हाइट किस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। दूसरा मैं बात करें चेस्ट के बारे में, तो जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट का एक्सपेंडेशन रिक्वायरमेंट दिया गया है कि आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सपेंड कर सकते हो, और फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। दूसरा मैं बात करें तो यहाँ पे भी जो भी अदर कैंडिडेट्स है या जो भी एरिया के हिसाब से आपका यहाँ चेस्ट का रिक्वायरमेंट दे चुका है। दूसरा मैं बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो जो ड्राइवर, मोटर व्हीकल्स, गार्डनर, पेंटर ये सारे चीज बनना चाहते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में दौड़ना है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर को आपको 8.30 मिनट्स में दौड़ना है। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे टाइम्स देखने को मिलता है। दूसरा मैं कुकर, वाटर्स या हेयर ड्रायर या वॉशरमैन को 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 12 मिनट्स में है। पिजनर विंग्स के लिए आपको है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट एंड पिजनर विंग्स के लिए जो प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन जो 8 किलोमीटर में 5 मिनट को दौड़ना पड़ेगा। इसे जैसे ही कम्प्लीट करते हो तो आपको फर्दर के लिए आपको मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। दूसरा मैं बात करें वेट के बारे में, तो वेट आपके हाइट के अप्रोक्स अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाता है कि आपका जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि किस हाइट पे क्या वेट होना चाहिए, तो अगर आपको कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोग को बना के देंगे कि किस हाइट से क्या वेट होना से आपका यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। दूसरा मैं बात करें कि हाँ यहाँ पे जैसे सीपीटी टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और पीएसटी टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट भी लिया जाता है। जो ट्रेड रिक्रूटमेंट कैंडिडेट जा रहे हैं उन लोग के लिए यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट भी लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपका देखा जाता है। पूरा इसको कम्प्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जाम लिया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इवन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे जाना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।